नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के जो टॉप कंट्रीब्यूटर है वो उन स्टॉक्स पे अभी क्या मतलब सेंटिमेंट बन रहा है, बुलिश रहेगा ये सारे स्टॉक या बेरिश रहेगा, क्योंकि निफ्टी के जो टॉप कंट्रीब्यूट करने वाले स्टॉक है, जो सबसे अधिक वेटेज वाले स्टॉक है, टॉप 10 स्टॉक, अगर उसमें करेक्शन होता है, गिरावट होती है, तो निश्चित है कि निफ्टी में भी गिरावट होगा, मतलब मेरे मार्केट में भी गिरावट होगा। तो अगर मार्केट क्रैश होता है तो इन सारे स्टॉक्स में गिरावट होना है। अगर इन सारे स्टॉक्स में गिरावट नहीं होती है तो आपको मार्केट में भी गिरावट देखने नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये स्टॉक्स है, सबसे पहला रिलायंस, रिलायंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है HDFC बैंक का। अगर आप वेटेज देखना चाहते हैं तो आप NSE के वेबसाइट को विजिट करेंगे। NSE के वेबसाइट पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, रिलायंस 10.77% कंट्रीब्यूशन रखता है, वेटेज रखता है। HDFC बैंक का जो कंट्रीब्यूशन है निफ्टी 50 को बनाने में वो है 10%, मतलब 10.66%। वही इन्फोसिस है हमारा 7.2% और HDFC है हमारा 7.29, ICICI बैंक है 6.59, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS 4.86, कोटक महिंद्रा बैंक 4.16, हिंदुस्तान लिवर 3.04 और एक्सिस बैंक है 2.87, ITC 2.84। तो ये सब वेटेज है निफ्टी 50 को बनाने में। अगर इसमें बात करें, अकेले फाइनेंशियल सर्विस जो है 39.50% है, तो मतलब अगर फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में गिरावट होती है तो निफ्टी में भी जबरदस्त गिरावट होगा। वहीं IT 15%, ऑयल गैस 12%, कंज्यूमर गुड्स 10%, ऑटोमोबाइल 5.63%, फार्मा 3.2%। तो ये मेजर मतलब जो कंट्रीब्यूशन यहाँ देखें तो IT सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, मतलब ये दोनों सेक्टर जिस दिन निगेटिव हो तो समझ जाइए कि निफ्टी में भी उस दिन गिरावट होने वाला है, क्योंकि अकेले ये 55% हो गया। अगर उसमें ऑयल गैस को मिला दें और कंज्यूमर गुड्स को मिला दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40% प्लस 15% 55 हो गया। अब 10 तो 65, अब प्लस इसमें 12 जोड़ दीजिए 65 में, तो हो गया आपका 77। तो 77-78% अगले ये चार सेक्टर है, तो ये चार सेक्टर जिस दिन जिस साइड में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में हमारा निफ्टी 50 मूव करेगा। तो ये जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस है इसमें निफ्टी बैंक भी आ गया, तो बैंकिंग के भी स्टॉक हो गया। फाइनेंशियल सर्विस में जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये मेजर स्टॉक्स है। HDFC हो गया, ये तीन मेजर स्टॉक है जिसका कंट्रीब्यूशन फाइनेंस सर्विस सेक्टर में सबसे अधिक है। उसके बाद आईटी में इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, दो का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। ऑयल गैस में रिलायंस आ गया आपका, कंज्यूमर गुड्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर आ गया, ITC आ गया, इसका दो का मेन कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से इन सारे स्टॉक्स पे आपको नज़र रखना है कि या सीधा समझिए ये 10 स्टॉक जो है अगर जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में निफ्टी 50 उस दिन मोमेंटम करेगा। तो इस 10 स्टॉक पे आपको नज़र रखना है कि ये किस दिन अप ट्रेंड में है, किस दिन डाउन ट्रेंड में है। जैसे कल अगर यहाँ से मान लेते हैं कि ये 5 जो स्टॉक है ऊपर वाले अगर नीचे मूव करता है, मतलब इसमें गिरावट होती है, फॉल होती है, तो निश्चित है निफ्टी 50 में भी गिरावट होगी। तो इन स्टॉक्स को देखते हैं कि ये स्टॉक अभी कौन से सपोर्ट पे है, क्या रेजिस्टेंस है, किस डायरेक्शन में ये स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखें, रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में जबरदस्त मतलब तेजी देखने मिला था 25 फरवरी को, लेकिन 26 फरवरी को मार्केट हमारा काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ, काफ़ी नीचे भी गिरा, जिसका मुख्य कारण था फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर। तो फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर का गिरावट काफ़ी इसमें ज़्यादा हुई, तो रिलायंस में भी गिरावट हुई। जब मार्केट ही पूरा निगेटिव था तो रिलायंस में भी गिरावट देखने मिला। और यहाँ पर ये पहले जो स्टॉक था रिलायंस का, ये यहाँ पर देख लीजिए, ये 50 डे का मूविंग एवरेज है, तो 50 डे का मूविंग एवरेज और 200 डे के मूविंग एवरेज, इसी के बीच ये लगातार कंसोलिडेट हो रहा था। लगभग यहाँ से बात करें तो अक्टूबर 2020 से लेकर के और यहाँ पर जनवरी तक, अक्टूबर से लेकर के जनवरी के महीने के बीच, इसी बीच ये कंसोलिडेट होता रहा। और यहाँ पर जनवरी में पहली बार इसको ब्रेक किया ऊपर की ओर, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और वहाँ से फिर आया, फिर से 200 डे के मूविंग एवरेज के पास आया और यहाँ से फिर से बाउंस बैक किया। अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो सारे मूविंग एवरेज यहाँ पर क्रॉस कर रहे थे। क्रॉस करने का मतलब होता है कि सारा जो मूविंग एवरेज यहाँ से कन्वर्ज होकर के क्रॉस कर रहा था, मतलब यहाँ से एक बुल रैली इसमें आने वाला था, लेकिन ये बुल रैली ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रहा। ये लगभग 2000 से लेकर के 2150 तक,
मात्र 150 रुपये तक कंटिन्यू रहा। अगर मार्केट में फिर से बुल रैली आती है तो अगर ये यहाँ से बुल रैली कंटिन्यू होता है तो फिर एक ज़बरदस्त रैली आपको देखने मिलेगा, क्योंकि अब अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो प्राइस एक्शन में भी ये लगातार रेसिस्टेंस का काम करता था जो कि अब सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि जब प्राइस किसी रेसिस्टेंस को ब्रेक कर जाता है तो उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू होता है तो वो सपोर्ट का काम करता है। लेकिन सपोर्ट यहाँ से टूटता है और ये लगातार कंटिन्यू होता है और 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है रिलायंस, तो समझिए एक बड़ा वीकनेस इसमें आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो 200 डे के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया तो एक दिन तो इसके नीचे क्लोजिंग दिया लेकिन दूसरे दिन ही ये 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। तो लगातार जब इसमें 5 से 10 दिन तक इसके नीचे भी ट्रेड करता है तो समझिए वीकनेस आ रही है और यहाँ से काफ़ी मतलब गिरावट रिलायंस में हो सकता है। इस रेसिस्टेंस को रिलायंस जो है ब्रेक तो किया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और ऊपर में भी ये देख सकते हैं इस रेंज से 2080 से लेकर के 2180 तक में ये लगातार इस रेंज में कंसोलिडेट होता रहा है। रिलायंस जो है रेसिस्टेंस फेस करता रहा है, इसको एक बार यहाँ पर ब्रेक भी किया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये मेजर यहाँ पर है, आपको डायरेक्ट देखना है 200 डे के मूविंग एवरेज को अगर रिलायंस ब्रेक कर देता है तो निश्चित है रिलायंस में एक बड़ी गिरावट यहाँ से हो सकती है। तो मूविंग एवरेज से सिंपल मूविंग एवरेज और प्राइस एक्शन दोनों को अगर आप एक साथ मिला देते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देता है, काफ़ी एक्यूरेसी आपकी इंप्रूव होती है। HDFC बैंक का भी कंट्रीब्यूशन लगभग रिलायंस के इक्वल ही है लेकिन HDFC बैंक का जो प्राइस है वो रिलायंस से कम है। तो अगर HDFC बैंक में काफ़ी मोमेंटम होता है तो निफ्टी में भी उस दिन देखिएगा काफ़ी मोमेंटम होता है और निफ्टी बैंक में भी। यहाँ पर ये भी देखिए अभी 20 डे के जो EMA है 20 डे के EMA को ब्रेक किया है तो ये साइन होता है कि यहाँ से वीकनेस आ सकती है, लेकिन यहाँ से लगातार अगर ये नीचे आता है और 50 डे के EMA को ब्रेक करता है फिर 100 डे को तो हम मानेंगे कि ये कंटिन्यू हो सकता है, और 200 डे के EMA को जब ब्रेक कर देता है तो मानते हैं कि जो ट्रेंड है वो ट्रेंड डाउनवर्ड हो चुका है, मार्केट में बड़ी गिरावट हो सकती है क्योंकि हाई वेटेड स्टॉक है, काफ़ी हाई वेटेड स्टॉक है, काफ़ी वेटेज है इस स्टॉक का रिलायंस का, HDFC बैंक का। तो जैसे इसमें गिरावट कंटिन्यू होता है, अभी तक तो ये काफ़ी बुलिश है क्योंकि ये स्टॉक देखते हैं बार बार ये 50 डे के मूविंग एवरेज 20 डे के मूविंग एवरेज पे आता है सपोर्ट लेकर के काफ़ी बाउंस बैक करता है। तो यहाँ से अगर वीकनेस कंटिन्यू होता है तो मार्केट में हम करेक्शन का उम्मीद कर सकते हैं। अभी कुछ खास नहीं, अभी मात्र 20 डे के EMA को ही ब्रेक किया है, जैसे 50 डे के EMA के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो मानेंगे कि अच्छा खासा वीकनेस आ चुका है और 200 डे के मूविंग एवरेज को जब ब्रेक कर देगा तो समझिएगा मार्केट में एक बड़ा क्रैश आ रहा है। तो 200 डे का मूविंग एवरेज जो होता है ये सारे जो हाई वेटेड स्टॉक है इसमें एक क्रूशियल सपोर्ट है, अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता है तो एक बड़ी गिरावट मार्केट में आ सकती है। अगला है इन्फोसिस। दोस्तों ये एकदम सिंपल नियम बताते हैं आपको, मूविंग एवरेज जो है काफ़ी सिंपल रूप से आपको डेली चार्ट आवर्ली चार्ट पर मार्केट के ट्रेंड को बता देता है। प्राइस एक्शन तो है ही, प्राइस एक्शन का हमेशा यूज करना है, जैसे यहाँ पर आप प्राइस एक्शन का यूज करेंगे इन्फोसिस में तो ये देखिए ये सपोर्ट लेवल रहा है जिस प्राइस पे अभी इन्फोसिस है 1250 रुपये, ये पहले से देख सकते हैं यहाँ पे भी आया था कंसोलिडेट हुआ था और यहाँ पर गिरावट एक बार आया था तो यहाँ पर फिर से सपोर्ट लेकर के ये बाउंस बैक किया था और यहाँ पर देखिए फिर से गिरावट आया था तो इसके जब थोड़ा सा नीचे आया 50 डे के मूविंग एवरेज पर यहाँ सपोर्ट लिया फिर बाउंस बैक किया फिर से ये वहीं पर उसी प्राइस पर आ चुका है। तो यहाँ कई बार देखिए 1 बार 2 बार 3 बार और ये 3 बार पहले भी आ चुका है, तो 2 से अधिक बार किसी मतलब प्राइस रेंज पर अगर रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेता है तो हम उसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर है तो इसको सपोर्ट बोलेंगे, प्राइस जब इसके नीचे आ जाएगा तो इसी को हम रेसिस्टेंस के रूप में यूज करेंगे। तो एक ही जो प्राइस होता है वो सपोर्ट भी हो सकता है रेसिस्टेंस भी हो सकता है, अगर ऊपर है तो वो सपोर्ट का काम करेगा नीचे है तो वो रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो ये इसके 10 रुपया ऊपर लीजिए 10 रुपया नीचे लीजिए तो एक रेंज जो होता है जो कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है, तो ये जो रेंज होगा यहाँ पर ये रेंज हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है इन्फोसिस में। अगर यहाँ से ब्रेक होता है इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर देख लीजिए इसका जो सपोर्ट आता है वो काफ़ी नीचे है, इसका सपोर्ट फिर यहाँ पर आपको बनेगा लगभग 1160 रुपये पर।
तो लगभग यहाँ से अच्छा खासा यहाँ से 80 रुपये डाउनवर्ड मूवमेंट यहाँ से इन्फोसिस कर सकता है। तो इन्फोसिस का भी वेटेज काफ़ी हाई है, तीसरा हाई वेटेड स्टॉक है निफ्टी 50 में। तो ये सारे स्टॉक है देख सकते हैं, इसका ऐसे देखिएगा तो 20 डे के EMA को ये काफ़ी पहले ब्रेक कर चुका है और उसके लगातार नीचे ट्रेड भी कर रहा है। अब 50 डे के EMA के नीचे क्लोजिंग दिया, इसके नीचे ट्रेड करता है तो हम मानेंगे वीकनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। ये वीकनेस जैसे जैसे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता जाएगा वीकनेस उतना ही स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। 100 डे को मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, 200 डे को जब ब्रेक कर देता है उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है कई दिनों तक, 5 से 10 दिन तक, तो माना जाता है कि काफ़ी बड़ा वीकनेस मतलब काफ़ी बड़ी गिरावट जो है मार्केट में आ सकती है और इस स्टॉक में भी। उसके बाद अगला हमारा स्टॉक है HDFC। HDFC का वेटेज भी काफ़ी अच्छा है, आपको हमने सारे स्टॉक का वेटेज आपको दिखाया कि जो HDFC है इसका वेटेज देख लीजिए 7.29 है। तो इन्फोसिस के बाद चौथा ये स्टॉक है जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है निफ्टी 50 में। और ये स्टॉक सबसे ज़्यादा अभी जो आपको दिखाए मैंने चार स्टॉक HDFC लगा करके चार स्टॉक, उसमें सबसे ज़्यादा वीकनेस इसी स्टॉक में है। ये स्टॉक देखने 50 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग भी दे दिया है और यहाँ से एक बार पहले भी ये यहाँ पर दिया था क्लोजिंग नीचे, लेकिन यहाँ से काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ से बाउंस बैक देखने मिला था। अब यहाँ से देखते हैं क्या ये कंटिन्यू करता है अपने ट्रेंड को, जो ट्रेंड है इसका काफ़ी वीक है, काफ़ी यहाँ पर दिखा रहा है कि वीकनेस इस स्टॉक में है। अगर लगातार यहाँ पर कंटिन्यू होता है और 200 डे की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देता है तो समझिए वीकनेस काफ़ी ज़बरदस्त हो सकती है। आगे है हमारा ICICI बैंक। ICICI बैंक भी एक हाई वेटेड स्टॉक है निफ्टी 50 का। ICICI बैंक का भी कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है निफ्टी बैंक में भी और निफ्टी 50 में भी। ये स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त देख सकते हैं बुल रैली में था और यहाँ पर हाई बनाया 680 रुपये का और वहाँ से स्टॉक में देखते हैं लगभग 80 पॉइंट का गिरावट हो चुका है। तो ये कुछ खास मतलब स्टॉक नहीं है, 600 रुपये का स्टॉक है उसमें 80 पॉइंट का गिरावट, तो एक बड़ी गिरावट है। और यहाँ पर ये भी 20 डे की मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है और बार बार ये सपोर्ट लिया है 50 डे के मूविंग एवरेज और 20 डे के मूविंग एवरेज, जिसमें से 20 डे को ब्रेक कर चुका है तो यहाँ पर साइन है कि इसमें वीकनेस आ सकती है। अगर ये 50 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो ये जो डाउन पार मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसका जो नीचे सपोर्ट रेंज है, अगर ये 50 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर लेता है तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 550 रुपये होगा। तो यहाँ से 40 पॉइंट से ज़्यादा का अभी डाउन पार यहाँ पर हो सकता है मोमेंटम और यहाँ से लगातार ये अगर गिरावट करती है और 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है तो एक मार्केट क्रैश होगा। मार्केट क्रैश तब मानेंगे कि मार्केट क्रैश होगा जब ये सारे स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देता है तो ये बड़ा गिरावट होगा। तो वैसे में आपको वेट करना है, ये सारे स्टॉक काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर आपको मिल सकते हैं, तो जब काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर स्टॉक मिलेंगे तब आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद TCS तो काफ़ी वीक है, यहाँ पर TCS देख लीजिए काफ़ी वीकनेस इसमें देखने मिला है। पहले यहाँ पर आया 2 डे के मूविंग एवरेज पर लगातार यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ काफ़ी लंबे समय तक और उसको ब्रेक किया, फिर थोड़ा सा मात्र यहाँ रुका, मात्र एक से दो दिन यहाँ पर सस्टेन किया 50 डे के मूविंग एवरेज पर। तो यहाँ पर देखते हैं मूविंग एवरेज काफ़ी अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, अब फिर यहाँ से ब्रेक किया और यहाँ पर थोड़ा सा एक दो दिन तक कंसोलिडेट हुआ 3000, जो कि काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है, जो एक होल नंबर होता है 2000-3000, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है स्टॉक का। इसके 20 पॉइंट ऊपर नीचे आप ले लीजिए तो यहाँ पर देखते हैं कंसोलिडेट करता रहा, फिर यहाँ पर स्टॉक जो अपना 100 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक करने पर है। तो IT सेक्टर के स्टॉक में काफ़ी वीकनेस देखने मिला है क्योंकि जो रुपी जो है वो स्ट्रांग हुआ है, डॉलर के मुकाबले रुपया स्ट्रांग हुआ है और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं, पैंडमिक भी है, तो जिसके कारण IT सेक्टर के स्टॉक में काफ़ी वीकनेस देखने मिला और ये 100 डे के मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करने वाला है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनेगा वो काफ़ी नीचे है। अगर इसके सपोर्ट और रेसिस्टेंस बात करें तो ये 2700 रुपये पर यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है या 200 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले सकता है। अगर 200 डे को भी ब्रेक किया तो फिर एक काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पर करेक्शन देखने मिल सकता है, ऐसे भी IT स्टॉक काफ़ी वीक है। उसके बाद है कोटक बैंक में भी वीकनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो बैंकिंग सेक्टर उसमें एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, ये सारे काफ़ी बुलिश थे। SBI तो लगभग 200 रुपये से 400 रुपये जा चुका है, एक महीने में डबल हो चुका है। तो ये सारे बैंकिंग सेक्टर में स्टॉक जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, वहीं ये कोटक बैंक काफ़ी मतलब यहाँ वीक है। कोटक बैंक यहाँ पर देखते हैं 100 डे के मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करने वाला है, पहले एक बार 100 डे के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया था, क्या इस बार सपोर्ट लेता है या 100 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, तो फिर 200 डे के मूविंग एवरेज भी कुछ
खास नीचे नहीं है, मात्र यहाँ से देखते हैं 1660 पर 200 डे का मूविंग एवरेज है और 1780 पर अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है जो कि 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। और कल भी अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो अगला इसका सपोर्ट जो है 200 डे का मूविंग एवरेज ही होगा, या कहें 1700 पे भी सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि पहली बार एक बार 1700 मतलब 100 डे मूविंग एवरेज पर यहाँ पर बाउंस बैक किया था। तो ये स्टॉक काफ़ी वीक है, अगर ये यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो एक ज़बरदस्त इसमें डाउनफॉल देखने मिलेगा आपको। तो सारे स्टॉक देखते हैं कि करेक्शन दिखा रहा है और इसमें से जो पहले चार स्टॉक्स थे जैसे रिलायंस हो गया आपका, उसके बाद HDFC बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये चार काफ़ी सॉलिड हैं, अभी भी उसमें कुछ खास वीकनेस नहीं आया, जबकि HDFC और जो आपका कोटक बैंक हो गया ये सारे काफ़ी मतलब वीक हैं। अगला जो नेक्स्ट हमारा मेजर कंट्रीब्यूटर है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी काफ़ी वीक है, ये तो 200 डे के मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है। तो 200 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक करने का मतलब है कि इस यहाँ से एक बड़ा करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक जो FMCG सेक्टर का, जब सारे स्टॉक काफ़ी गिरते हैं तो इस सेक्टर के स्टॉक में आपको ज़्यादा बड़ा करेक्शन देखने नहीं मिलेगा, तो इस स्टॉक थोड़ा सा कहीं तो एक्सेप्शन है। यहाँ देखिए 200 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है लेकिन ये स्टॉक ज़्यादा नीचे आपको आता हुआ नहीं देखने मिलेगा। 200 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक किया लेकिन कुछ खास ज़्यादा नीचे नहीं आया। तो जो FMCG के सेक्टर के स्टॉक है वो आपको पहले भी बताया, वो इवर ग्रीन स्टॉक होते हैं, इसमें आपको करेक्शन देखने मिलेगा लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना कि आपको जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो गया, उसमें देखने मिल रहा है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत आपको करेक्शन देखने मिल सकता है, ज़्यादा ज़्यादा ये 2000 तक आ सकता है। अगर आप 2000 पर मिलता है तो इस स्टॉक को छोड़ना नहीं है, ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। पहले भी मैंने बताया म्यूचुअल फंड को छोड़ आप इन सारे सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि FMCG सेक्टर के स्टॉक जब भी सस्ते प्राइस में मिल रहे हैं और ये सब मार्केट के लीडर स्टॉक है जिसका बिजनेस काफ़ी सॉलिड है। उसके बाद अगला जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो भी FMCG सेक्टर से है, ITC ये भी काफ़ी वीक स्टॉक है। यहाँ पर देखते हैं ये हाई तो बनाया लेकिन बार बार ये स्टॉक जो अपने इन्वेस्टर को एक तरह से ये रुला रहा है, जाता है एक हाई बनाता है फिर वापस आ जाता है, हाई बनाता है फिर वापस, जहाँ से देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया था जब ऊपर यहाँ 200 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, लेकिन ये फिर से यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज को पास पहुँच चुका है। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर ये आपको इसमें 150 का लेवल आता हुआ देखने मिलेगा, क्योंकि मार्केट में जिस तरह से गिरावट हो रही है और 200 एक मूविंग एवरेज को ये ब्रेक कर देता है तो फिर 150 का लेवल फिर से आपको इसमें देखने मिलेगा। तो 150 पाता है तो आपकी बार छोड़ना नहीं, आपको ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये भी स्टॉक अच्छे हैं लेकिन थोड़ा धीमी रफ्तार से चलते हैं, कछुए की चाल से चलने वाले स्टॉक है और जब भी आपको नीचे गिरावट मिलता है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगला है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी काफ़ी सॉलिड है, अभी भी ये स्टॉक वीक नहीं हुआ है खासा। यहाँ पर देखते हैं मात्र 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ये क्लोजिंग दिया है और इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर इसका जो नीचे सपोर्ट बनता है वो है 50 डे का मूविंग एवरेज। तो 50 डे का मूविंग एवरेज का मेजर सपोर्ट होगा क्योंकि स्टॉक काफ़ी बुलिश है और एक्सिस बैंक, SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक ये सारे काफ़ी सॉलिड हैं। अगर ये चारों में गिरावट होती है तभी निफ्टी बैंक पे आपको बड़ा गिरावट देखने मिलेगा और निफ्टी बैंक गिरता है तो निफ्टी 50 भी गिरेगा। तो ये स्टॉक भी आप यहाँ पर वेट करके रखिए, 100 डे मूविंग एवरेज पर आता है तो सपोर्ट ले सकता है, अगर उसको ब्रेक करता जाता है तो फिर इस पे वीकनेस हम मानेंगे कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अभी ये स्टॉक काफ़ी बुलिश है, अभी इसमें कुछ खास वीकनेस नहीं आया है। उसके बाद अगला है हमारा लार्सन एंड टुर्बो, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और ये स्टॉक में देश ने काफ़ी ज़बरदस्त रैली यहाँ पाया था और ये स्टॉक भी अभी कुछ खास वीक नहीं हुआ है, मात्र 20 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। 100 डे को ब्रेक करता है तो मानेंगे कि थोड़ा सा वीकनेस जो है काफ़ी सॉलिड हुआ है, मतलब वीकनेस जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो एक बड़ा करेक्शन ये स्टॉक भी दिखा सकता है। तो ये सारे स्टॉक्स थे जिसके कारण हमारे मार्केट में एक बड़ी गिरावट हो सकती है, मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। तो इन 10 स्टॉक पर आपको नज़र बनाए रखना है, साथ साथ जो 11वां और 12वां स्टॉक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो स्टॉक है आपका बजाज फाइनेंस का भी अच्छा खासा है, भारती एयरटेल, ये दोनों स्टॉक लगभग 2% का कंट्रीब्यूशन रखता है निफ्टी 50 को बनाने में। तो जो 11वां स्टॉक है बजाज फाइनेंस, 12वां भारती एयरटेल, ये भी 2-2% का मतलब 4% हो गया, तो उन दोनों स्टॉक पे भी रखना। उसके बाद कुछ खास स्टॉक नहीं है जिसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो, जैसे SBI का थोड़ा सा है 1.8% का कंट्रीब्यूशन, तो SBI तो काफ़ी बुलिश है, अभी उसमें वीकनेस आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो ये मात्र 10 स्टॉक हैं जिस पे अगर आप ध्यान रखते हैं तो मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा
मतलब मेजर डायरेक्शन क्या होगा निफ्टी 50 का, उसको जान सकते हैं। तो अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जब आप पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है। आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता। कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।